तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम करने वाले एक मिनी ड्रोन की अनबॉक्सिंग, जो कि हमें गिवअवे में फर्स्ट विनर के तौर पर मिला है। और गाइस, ये मुझे हरीश प्रोजेक्ट्स की तरफ से मिला है, तो स्पेशल थैंक्स फॉर हरीश प्रोजेक्ट्स। तो गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टूडियो में करने वाले, तो चलिए स्टूडियो के अंदर चलते हैं। ये है वो ड्रोन DM002। तो गाइस, ये कुछ हमारे पास इस तरीके के पैकिंग में आया है और इसके ऊपर एक बबल की पन्नी लगी हुई है ताकि ये सेफ रहे। तो चलिए इसे पन्नी में से निकालते हैं। तो गाइस, हमने इसके ऊपर की पन्नी निकाल ली है और इसके ऊपर भी एक पुट्ठा लगा हुआ है, उसके ऊपर हरीश प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग है और DM00 मॉडल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ क्राफ्ट उतारा हुआ है और इधर फ़ोन भी है कैमरे के रास्ते, लेकिन इसके अंदर कैमरा नहीं मिला है हमें और ना ही किसी को कैमरा मिलता है, हमें ऊपर से लगाना पड़ेगा। और हम गाइस इसके अंदर का और एक डब्बा खोलते हैं और इसके अंदर हमारा ड्रोन है और यहाँ पर हमारे नाम लिखा हुआ है कि जिसके तरफ से मुझे आया है वो। और ये डब्बा खोलते हैं गाइस और इसके अंदर सब में पहले तो हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन का कार्ड है जो कि थैंक यू हरीश प्रोजेक्ट्स की तरफ से आया हुआ है और ये हमें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, तो थैंक यू हरीश प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, हमें इसके अंदर दो कॉन्ग्रेचुलेशन के कार्ड लगे। हम एक कार्ड इसमें से दीवार पर लगा देंगे ताकि हमारे दीवार पर अच्छा दिखे और एक कार्ड हम इसे डब्बे के अंदर रख देंगे। और चलिए इसके अंदर के जो जो हमें कंपोनेंट्स मिले उसे देखते हैं। सब में पहले है सर्किट बोर्ड जो कि चारों ड्रोन के मोटरों को चलाएगा और लेफ्ट राइट करने में हमारी मदद करेगा। इसे हम खोल के देखते हैं और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और इसकी हम फिटिंग भी करते हैं। चलिए सारे सर्किट बोर्ड इसके देखते चलते हैं। इसके अंदर एक कैमरे के लिए भी वायर दिया हुआ है, हम इसके अंदर कैमरा भी फिट कर सकते हैं। तो इसके बाद है ड्रोन की बॉडी जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है और इसकी फ्रेम बहुत ही अच्छी है जो कि एकदम जो कि कितनी भी ऊपर से गिरे तो नहीं टूटेंगी। इसके बाद है चार ड्रोन के कोरलेस मोटर और ये ब्लैक और रेड कलर में दो दो मोटर है और इसके बाद चार प्रोपेलर हमें एक्स्ट्रा मिले है। और इसके बाद एक बैटरी होल्डर जो कि अच्छी क्वालिटी का है और इसके साथ एक पाना भी मिला है जिससे हम ड्रोन के प्रोपेलर निकाल सकते हैं, बिठा भी सकते हैं। इसके बाद है चार्जिंग केबल और बैटरी, ये बैटरी 300 mAh की है और हमें इसी केबल से इसको चार्ज करना होगा। और इसके बाद है इसका रिमोट जो कि ट्रांसमीटर भी कहते हैं, इसके अंदर भी बहुत ही सारे बटन आए। इन बटन्स के क्या काम है ये आपको शो हो जाएंगे एरो के ज़रिए स्क्रीन पर। इसके बाद गाइस, हमें इसके पीछे दो AA बैटरी डालनी होंगी और हम इसके अंदर डालेंगे नहीं बल्कि इसके लिए जुगाड़ करके 3.7 volt की 2000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी इसके पीछे फिक्स कर देंगे। और गाइस, ये है इसका टॉगल अप डाउन करने का और ये हरीश प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर भी ब्रांडिंग है और ये बहुत ही सारे बटन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके नीचे एक यूज़र मैनुअल जो हमें इसे पढ़ेंगे नहीं बल्कि बाजू में रख देंगे क्योंकि हमें सब दिल से ही उड़ाना आता है गाइस, लेकिन फिर भी इसे एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ड्रोन हमारा क्रैश ना हो जाए और हमारा नुकसान ना हो, इसीलिए सिर्फ इसके पेज खोल के देखेंगे हमारे दिमाग में सब बढ़ जाएगा कि ये कैसे उड़ता है। तो चलिए गाइस, इसके एक बार असेंबल करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके 8 प्रोपेलर, हमें इसमें से सिर्फ 4 की ज़रूरत है, इसे 4 के लिए हम पन्नी के अंदर रख के संभाल के रख देंगे। इसके बाद हम बैटरी और इसका चार्जिंग केबल भी निकाल के रख देते हैं। और गाइस, आप चार्जिंग केबल थोड़ा अलग ही किस्म का है और 300 mAh की एक लिथियम आयन बैटरी है जो कि रिचार्जेबल है और इसकी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। इसके बाद है बैटरी होल्डर और एक पाना जिससे हम ड्रोन के कई काम कर सकते हैं। और इसके बाद है चार कोरलेस मोटर जो कि दो ब्लैक वायर के और दो रेड वायर के, इसे भी हम खोल के देखते हैं। और ये एक चिपके हुए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होते हैं और ये बहुत ही पावर से उठती है, इसके लिए हमें चारों तरफ चार कोरलेस मोटर को डाल देना है। और चलिए इसे हम फुल असेंबल करते थे और हमने इसे चार मोटर लगा दिए है। और इसके बाद हमने इसका जो दिमाग है जो कि सर्किट बोर्ड है वो भी इसके अंदर लगा दिया है और अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हमने बैटरी भी लगा दी है, सॉरी गाइस मैंने बैटरी कैसी लगाई वो बता नहीं पाया हूँ। इसके बाद जो है तो हम बैटरी का और सर्किट बोर्ड का कनेक्शन करेंगे और जैसे ही हम इसे लगाते हैं वैसे ही
रेड एंड ब्लू रंग की लाइट शुरू हो जाती है और हम इसका रिमोट भी ऑन करते हैं। रिमोट ऑन करते ही रिमोट के अंदर भी लाल रंग की लाइट जलना शुरू हो जाएंगी। और इसे कनेक्ट करने के लिए हमें लेफ़्ट वाले टॉगल को एक बार ऊपर और एक बार नीचे करना होगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। ये गाइस इसे घर में ही उड़ा के देखते हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इसीलिए हमें इसे घर में ही उड़ाना पड़ेगा। तो गाइस हमने ड्रोन को टेक ऑफ कर दिया है और घर में होने की वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। और गाइस इसके बाद हम इसका अगला वीडियो भी लाएंगे शॉर्ट में, जो कि ग्राउंड के अंदर हम इसे उड़ा के देखेंगे ये कितने ऊपर जाता है और कितने दूर तक जाता है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।